हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया है कि उन्होंने अपने साइकिल में 60T चेन रिंग लगा लिया है, लेकिन 60T चेन रिंग पर चैन बैठ ही नहीं रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने जो 60T चेन रिंग का वीडियो बनाया है उसमें मैंने सादे एटलस साइकिल में 60T चेन रिंग लगाकर दिखाया है और 60T चेन रिंग के साथ 6-स्पीड गियर भी लगाया हुआ है। सादे एटलस साइकिल में 6-स्पीड गियर कैसे लगाना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब मेरे कई व्यूवर हैं जिन्होंने अपने साइकिल में 60T चेन रिंग तो लगा लिया है लेकिन उनकी साइकिल सादे एटलस टाइप साइकिल नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपकी साइकिल सादे एटलस टाइप नहीं है तो। अब मेरे व्यूवर ने 60T चेन रिंग के साथ 7-स्पीड गियर लगाया हुआ है। अगर आपके साइकिल में 60T चेन रिंग बैठ जाता है तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बताता हूँ। अब आपने 7-स्पीड गियर लगाया हुआ है और 7-स्पीड में पतली चेन फिट होती है। अब पतली चेन 60T चेन रिंग में फिट नहीं बैठती है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सादे साइकिल का ऐसा बड़ा वाला चेन लेना होगा और रियर व्हील यानी पिछले चक्के में 6-स्पीड गियर इंस्टॉल करना होगा। आपको ऐसा क्यों करना है मैं बताता हूँ। ज़्यादातर रेंजर साइकिल में जो 7-स्पीड गियर्स लगे होते हैं उनके गियर्स स्प्रॉकेट्स के बीच गैप बहुत कम होता है, इसलिए उसमें पतली चेन फिट होती है, सादे साइकिल की चेन फिट नहीं होती है। और कई 7-स्पीड फ्री व्हील जो अलग से मिलता है, मतलब वो किट में नहीं आता है, सेपरेटली उसे खरीद सकते हैं मार्केट से। इसमें क्या होता है, सादे साइकिल की चेन तो बैठेगी, चेन स्प्रॉकेट नंबर 1 और स्प्रॉकेट नंबर 2 पर बिल्कुल फिट बैठेगी और 6 नंबर और 5 नंबर स्प्रॉकेट पर भी फिट बैठेगी, लेकिन जो 3 और 4 नंबर स्प्रॉकेट है यानी कि ये दोनों स्प्रॉकेट, इनके बीच का गैप बाकी के स्प्रॉकेट्स के गैप से कम है। इसके वजह से सादे साइकिल की चेन जब 3 और 4 नंबर स्प्रॉकेट पर आती है तो जाम हो जाती है, लेकिन पतली चेन जाम नहीं होती है किसी भी स्प्रॉकेट पर। तो इसलिए आप अपने साइकिल में 7-स्पीड गियर ना लगाएं अगर आपको 60T चेन रिंग लगाना है तो, क्योंकि 7-स्पीड गियर में पतली चेन लगेगी और 60T चेन रिंग में पतली चेन बैठेगी नहीं। आप 6-स्पीड गियर लगाएं क्योंकि 6-स्पीड गियर के सभी स्प्रॉकेट्स के बीच गैप इक्वल रहता है और सादे साइकिल की चेन सभी स्प्रॉकेट्स पर बिल्कुल फिट बैठती है, यानी कि पीछे 6-स्पीड गियर जब आप लगाते हैं तो सादे साइकिल की चेन इसमें ओके चलेगी, फिट बैठेगी, और फ्रंट में 60T चेन रिंग में भी बैठ जाएगी ओके, यानी ये कॉम्बिनेशन ओके है। अब आप सोचेंगे कि आप 7-स्पीड गियर लगाते हैं तो आपको गियर रेशियो का फ़ायदा मिलेगा, यानी जो बड़ा स्प्रॉकेट है वो 6-स्पीड गियर के स्प्रॉकेट से बड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बताता हूँ। 6-स्पीड गियर और 7-स्पीड गियर दोनों का जो बड़ा स्प्रॉकेट है दोनों के ही 28 टीथ्स होते हैं सेम, यानी दोनों के बड़े स्प्रॉकेट यानी नंबर 1 स्प्रॉकेट के टीथ सेम है, और 6-स्पीड गियर और 7-स्पीड गियर के सबसे छोटे स्प्रॉकेट यानी 6 नंबर स्प्रॉकेट के टीथ्स भी 14 टीथ हैं, दोनों के टीथ सेम है 14 टीथ, यानी दोनों के छोटे स्प्रॉकेट्स के टीथ्स भी सेम ही हैं। तो आप देख सकते हैं 7-स्पीड का नंबर 1 स्प्रॉकेट 28 टीथ है और 6-स्पीड का भी नंबर 1 स्प्रॉकेट में 28 टीथ है, और 7-स्पीड का नंबर 6 स्प्रॉकेट 14 टीथ है और 6-स्पीड का नंबर 6 स्प्रॉकेट भी 14 टीथ है, और 7-स्पीड में आपको सिर्फ एक टीथ मिलता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो भी जाम होता है। 6-स्पीड गियर में सभी स्प्रॉकेट्स के डिस्टेंस इक्वल है, स्प्रॉकेट्स का जो प्रोपोर्शन है वो एकदम परफेक्ट है, इसलिए 6-स्पीड गियर बेस्ट है सादे साइकिल के चेन के लिए भी और साइकिलिंग के लिए भी। अब हम बात करेंगे सादे साइकिल के चेन और पतले चेन के डिफरेंसेस के बारे में, यानी दोनों के अंतर के बारे में। ये सादे साइकिल का चेन है और ये पतला वाला चेन है, दोनों में फ़र्क ये है, आप देख सकते हैं ये पतले वाले चेन का ये जो लिंक है, ये दोनों लिंक की पट्टी है, इसके बीच में कितना गैप है, बहुत कम गैप है, और ये जो सादे साइकिल का जो चेन है, ये दोनों लिंक का जो पट्टी है इसके बीच में कितना गैप है, ये ज़्यादा गैप है, लेकिन इसमें बहुत कम गैप है। पतले चेन का रोलर का थिकनेस भी कम है और जो सादे साइकिल का चेन है उसके रोलर का थिकनेस ज़्यादा है। सादे साइकिल का चेन का जो लिंक का लेंथ है वो भी ज़्यादा है पतले चेन से, ये देखिए। तो जब हम सादे साइकिल का चेन 60T चेन रिंग पर बिठाते हैं तो ये बिल्कुल फिट बैठता है, और जब हम पतला वाला चेन 60T चेन रिंग पर बिठाते हैं
तो थोड़ा दूर तक तो चैन बैठती है, उसके बाद लिंक का लेंथ कम होने की वजह से चैनें देखिए टीस के ऊपर होने लगती है, यानी ये बैठती नहीं है, यानी लिंक का लेंथ कम है इसका। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने साइकिल में 60T चेन रिंग लगाते हैं तो पिछले चक्के में 6 स्पीड गियर लगाएं, 7 स्पीड गियर नहीं, या फिर सिंगल स्पीड फ्रीविल भी चलेगा। मेरे कई व्यूवर्स का कहना है कि उन्हें 60T चेन रिंग और 52T चेन रिंग मार्केट में नहीं मिल रही है और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको 60T या 52T चेन रिंग चाहिए तो मैं वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इंडियन पोस्ट द्वारा आप तक 60T और 52T चेन रिंग डिलीवर करा सकता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।